हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगी। डिजिटल मल्टीमीटर आपने लैब में देखा है, यूज़ भी किया है। तो मल्टीमीटर क्या है? मल्टीमीटर मतलब जो मल्टीपल पैरामीटर्स को, क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। एनालॉग के एग्जाम्पल आपके परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए। और सेकंड होता है आपका डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि आपके लैब में आपने देखा है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको आपने यूज़ किया है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हम क्या कहते हैं? वोल्ट ओम मीटर भी कहते हैं, जिसको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ स्लाइड पे देखिए, इसका डायग्राम है डिजिटल मल्टीमीटर का। तो यहाँ पर एक तो वोल्ट वाला सेक्शन है, एक एसी वोल्ट का सेक्शन है, रेजिस्टर मेजरमेंट का है, ट्रांजिस्टर का सेक्शन है, करंट का एम्पियर सेक्शन है, और ऊपर डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो यहाँ पर हम इसको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आपको वोल्टेज मेज़र करना हो तो मल्टीमीटर की नॉब को वोल्ट पे सेलेक्ट करना होगा। जब करंट मेज़र करना हो तो मल्टीमीटर की नॉब को एम्पियर पे सेट करना होगा। जब रेजिस्टेंस मेज़र करना हो तो मल्टीमीटर की नॉब को ओम पर सेलेक्ट करना होगा। हमें जिस रेंज की करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेज़र करना है, उसी रेंज पर नॉब को सेट करके और मल्टीमीटर के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इनमें से प्रोब लेके उन प्रोब को दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करके किसी भी कंपोनेंट के, रजिस्टर के या किसी वायर के दोनों सिरों पे या किसी बैटरी के दोनों सिरों पे लगाकर हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, और वो वैल्यू हमें डिस्प्ले पे डिजिटल फॉर्म में दिखाई देती है। तो डीसी वोल्टेज अगर आपको नापना है तो क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को वोल्टेज पे सेलेक्ट करेंगे और हम मल्टीमीटर से 200 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक डीसी सप्लाई को नाप सकते हैं। तो डीसी सप्लाई जब आपको मेज़र करनी है तो हमें उसकी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि अगर 9 वोल्ट की बैटरी को आपको मेज़र करना है तो आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करना होगा, तभी आपकी बैटरी को का मेज़रमेंट आप कर सकते हैं। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको खुद थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वोल्टेज किस रेंज का है, तो हमें रेंज को, नॉब को किस रेंज पे सेट करना है। ऐसे करंट नापने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीमीटर को किसी भी सर्किट के सीरीज में लगा देंगे और जो वोल्टमीटर की नॉब है, मल्टीमीटर की जो नॉब है, उसको एम्पियर पे सेट कर देंगे। अगर स्मॉल करंट है तो मिली एम्पियर की रेंज सेलेक्ट करेंगे, अगर लार्ज करंट है, हाई करंट है, तो एम्पियर के पे नॉब को सेट कर लेंगे और आपको करंट की वैल्यू डिस्प्ले पर पता चल जाएगी। रजिस्टर को मेज़र करना है तो भी रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स पे प्रोब को लगा के और मल्टीमीटर की नॉब को रजिस्टेंस पे सेट करके, ओम पे सेट करके रजिस्टर की वैल्यू डायरेक्ट डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये इससे क्या है मल्टीमीटर का, डिजिटल मल्टीमीटर का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इससे हम बिना किसी कैलकुलेशन को किए हुए डायरेक्टली करंट की, वोल्टेज की या रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आपने लैब में कई बार यूज़ किया है इसको, इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें यही है और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये किस किस क्वांटिटी को मेज़र करता है। तो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसके अलावा किसी चीज़ को मेज़र नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैपेसिटेंस को मेज़र करता है तो उसका आंसर होगा नहीं,
इंडक्टेंस को मेजर करता है, तो उसका आंसर होगा नहीं। हाँ, आप रजिस्टर और इंडक्टर को मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर है या कि इंडक्टर है। अगर आप इंडक्टर को मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेट कर देंगे ओम को, मल्टीमीटर की नॉब को ओम पर सेट कर देंगे। और जब आप इंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे प्रोब को कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा ये इंडक्टर है, रजिस्टर नहीं है। जब आप रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर डिस्प्ले होगी, और जब इंडक्टर को आप सेट करेंगे रजिस्टेंस पे तो रजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो इंडक्टर है ना कि रजिस्टर। तो आप इंडक्टर को चेक कर सकते हैं कि आइदर ये रजिस्टर है या इंडक्टर है कि नहीं, क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों देखने में लगभग सेम लगते हैं, तो ये चीज़ चेक की जा सकती है। कैपेसिटेंस को चेक नहीं किया जा सकता, आप ये नहीं चेक कर सकते कि ये कैपेसिटर है या नहीं। कैपेसिटर की तो आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इंडक्टर को आप ये चेक कर सकते हैं कि इंडक्टर है या रजिस्टर है, वैल्यू चेक नहीं की जा सकती। तो सिर्फ तीन कंपोनेंट इससे हम चेक कर सकते हैं, तीन क्वांटिटीज़, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। थैंक यू। क्या बोल रहे हो, कच 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 ठंडा ठंडा लगता है ना, गर्मी जैसा एहसास ही नहीं होता कि पंखा फुल पे चला लें।